गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सब सेफ होंगे। गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। सो मेरे चैनल पे आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो जो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप सबके साथ मिस रोज़ फाउंडेशन का शेक गाइड वीडियो करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट की है खुश खान ने। आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ। गाइस, मैं आपको एक चीज़ पहले बोल दूँ, मैं रिक्वेस्टेड वीडियो पहले लाइव करने की कोशिश करती हूँ, मेरी यही एम है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने मुझे बस इतना मेंशन किया था कि मिस रोज़ फाउंडेशन का शेक गाइड वीडियो बनाएं, बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा। तो मैंने जो सोचा मुझे पहले लाइव करना चाहिए वो ये वीडियो है। और मैंने सोचा है कि मैं दो जो मिस रोज़ के और फाउंडेशन है उसकी भी शेड गाइड करूँगी, बट मैंने पहले इसको लाइव करने के बारे में सोचा। आई होप मैंने सही सोचा। सो गाइस, ये जो फाउंडेशन है इसका मैं आपको शेड गाइड करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको छोटी सी रिव्यू दे देती हूँ। ये जो है फाउंडेशन, ये आपको नॉर्मल कवरेज देता है, ज़्यादा हाई कवरेज नहीं प्रोवाइड करता। ये 37 ml का होता है और इसका जो प्राइस है वो 200 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। और ये जो फाउंडेशन है ये आपको एक मैटी फिनिश देता है, इससे आप समझ सकते हो कि एक ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मोस्टली ये कोशिश करें कि आप मॉइस्चराइज़र लगा लें डीपली अच्छे से, उसके बाद ये अप्लाई करें। तो जो नॉर्मल जानकारी मुझे लगा देने के लिए वो मैंने इसमें दे दी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने छोटा सा रिव्यू, मतलब रिव्यू क्या, मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसके साथ आपके साथ शेयर की है। और ये फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये फाउंडेशन अच्छा है। आप अगर इसे यूज़ करते हो तो आपको इसके बेनिफिट समझ में आ जाएगी। मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा। गाइस, ये तो हो गई फाउंडेशन की बात। चलिए अब आप अपना शेड गाइड भी देख लें कि आपको कौन से स्किन टोन पे, किस अंडरटोन पे कौन सा फाउंडेशन लेना है। बट अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको अंडरटोन और स्किन टोन के बारे में सब कुछ डिटेलिंग वीडियो बनाई है, तो नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप शेड गाइड की वीडियो देख लें। पहला शेड जो है वो है बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन वालों के लिए और जो पिंक अंडरटोन के होंगे उनके लिए। सो अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन हो और पिंक अंडरटोन हो, देन आपको जो शेड लेना है वो है फेयर। इस फाउंडेशन में शेड है फेयर, वो आपको लेना है। या गाइज, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और कोई भी दिक्कत हो आपको अंडरटोन या स्किन टोन समझने में तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेक कर ले वीडियो की, वहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। गाइस, हमारा जो सेकंड शेड है वो है आइवरी, और ये शेड जो है वो है नॉर्मल फेयर टू लाइट स्किन के लिए प्लस न्यूट्रल अंडरटोन। अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन हो और आप फेयर टू नॉर्मल स्किन टोन हो, लाइट स्किन टोन, देन आपको जो शेड लेना है वो है आइवरी। आइवरी जो शेड है गाइस, वो पिक्चर में जैसे आपको स्किन दिख रही है ऐसे अगर आप भी हो तो आप ये आइवरी शेड ले सकते हो। अगर आप इससे एक दो स्टेप नीचे या ऊपर हो देन तब भी आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। और अगर आप येलो अंडरटोन भी हो देन तब भी आप ये वाला ले सकते हो, बट पिंक अंडरटोन हो तो आप नहीं ले सकते, न्यूट्रल अंडरटोन हो तो ले सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है बेज वन, और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन वालों के लिए। अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन हो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये फेयर स्किन टोन वाले हैं विथ येलो अंडरटोन, तो ये जो शेड है वो येलो अंडरटोन के लिए है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये जो शेड है ये आप देख सकते हैं ये इससे एक स्टेप नीचे है। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा फेयर टू मीडियम अंडरटोन वालों के लिए ये शेड है बेज वन। तो यहाँ पे मैं तीन तरीके के आपको स्किन टोन दिखाऊंगी, अगर आप ये तीन में से कोई एक हो देन आप ले सकते हो बेज वन नंबर वाला शेड। और इसका शेड का नाम है गाइस बेज वन, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ जाते हैं कि नंबर और नेम में। सो एक ये है, सो मैंने यहाँ तीन फेसेस आपको दिखाए हैं, और ये तीन फेस में अगर आप कभी सेम स्किन टोन है तो आप ले सकते हो बेज वन शेड। मैंने आपको पूरा क्लियर किया है फेयर टू मीडियम। ओके गाइज, तो चलिए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। तो गाइज, अब जो मैं आपको बताऊंगी वो है बेज टू, यानी बेज टू शेड। ये है मीडियम प्लस येलो अंडरटोन के लिए। तो अगर आप मीडियम प्लस येलो अंडरटोन हो, जैसे
स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। अगर आप भी ऐसे दिखते हो देन आपको जो शेड लेना है वो है बेज 2, ये मीडियम प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप इससे एक दो स्टेप नीचे हो देन तब भी आप ये शेड ले सकते हो। आइए अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है बेज 3। यहाँ पर मैंने ऑल शेड्स के बारे में तो नहीं, बट मैंने बेज 4 तक आपको समझाया है, बताया है। अगर इसके आगे भी अगर आपको शेड्स देखने हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप नीचे कुछ समझ में नहीं आई तो भी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करके आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दूंगी। प्लीज़ अगर आप ऐसे दिखते हो मीडियम टू विटिश अंडरटोन में या स्किन टोन में, मैं कह सकती हूँ अंडरटोन अगर आपका पिंक हो और आप मीडियम टू विटिश टोन्स में हो तो आपको लेना है बेज 3 वाला शेड, ये बेज 3 शेड। अगर आप ऐसे दिखते हो, मैंने दो तरीके की स्किन दिखाए हैं यहाँ पे, तो ये पिंक अंडरटोन के लिए ही है गाइस। अगर आप पिंक अंडरटोन हो तो आप शेड ले सकते हो बेज 3। और आपको ऐसा ही मतलब अगर आप ऐसे दिखते हो मीडियम टू विटिश अंडरटोन में देन आप ये शेड ले सकते हो। चलिए ये अब नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो लास्ट शेड है वो है बेज 4 और ये है विटिश अंडरटोन के लिए, मीडियम डार्क अंडरटोन के लिए। सो अगर आप भी मीडियम डार्क अंडरटोन हो देन आप ले सकते हो बेज 4 शेड। ये जो शेड है गाइस ये येलो अंडरटोन के लिए है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप। सो एक स्किन टोन मैं आपको और दिखा देती हूँ ताकि आपको उससे अगर इसे समझ में ना आए तो इससे आ जाए। सो ये है वो स्किन टोन, अगर आप ऐसे दिखते हो देन तब भी आप बेज 4 शेड ले सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने पूरी वीडियो में नहीं बोला, मैं एंड में आके आपको बोल रही हूँ, एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।